Hello students, today we will start our new unit, unit 10, angles. So angles के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ डेफिनेशन से ये मैंने आपको कल राइट एंड लर्न के लिए दी थी, आज इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ये आपने क्लास 3 में भी किए हुए हैं. फर्स्टली हमारा है रे. रे क्या होता है? इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, जिसका हमें एक एंड पॉइंट पता होता है और दूसरी डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली चलती जाती है. मतलब हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता होता. एरो लगने का मतलब ही ये है कि जिसका हमें पॉइंट नहीं पता कि ये फिनिश कहाँ पे हो रही है. क्लियर है? सो दिस इज़ द शेप ऑफ अ रे. नेक्स्ट है पॉइंट. इट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन. इसकी हमें क्या बताता है कि एग्जैक्ट कोई चीज़ हमारी कहाँ पर है, उसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है. इसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई हाइट नहीं होती, मतलब कोई साइज़ नहीं पता होता हमें इसका. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. इट हैज़ टू एंड पॉइंट. जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं, मतलब जिसकी हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है. क्लियर है? सो इट हैज़ अ टू एंड पॉइंट एंड इट हैज़ अ डिफिनेट लेंथ, मतलब इसकी फिक्स एक लेंथ होती है. क्लियर है? नेक्स्ट वन लाइन. इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूटी में चलती है. ना तो हमें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, ना ही एंडिंग पॉइंट पता होता है, इसलिए दोनों तरफ एरो लगी हुई हैं, दोनों तरफ ही कंटिन्यूटी में चलती ही जाती है. क्लियर है? सो दिस आर द डेफिनेशंस वी विल यूज़ इन दिस चैप्टर. फर्स्टली इंट्रोडक्शन है, देखो इस चैप्टर का पेज नंबर 93 पे. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. आइडेंटिफाई करनी है शेप्स को, आइडेंटिफाई कर सकते हो आप क्लियरली कि कौन सी रे हैं, कौन सी लाइन है और कौन सी लाइन सेगमेंट है, आप कर सकते हो इसको. नेक्स्ट है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर. कितनी लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं इस फिगर्स में, काउंट करिए. देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5. क्लियर है? ऐसे ही बाकी में आप काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है मैच. मैच करने हैं हमें अ लाइन सेगमेंट हैज़. लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट. दिस शेप रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रे है. रे में क्या होता है? रे हैज़ वन एंड पॉइंट. क्लियर? ऐसे ही आप इसके बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है कंस्ट्रक्ट द फ्लोइंग लाइन सेगमेंट. कंस्ट्रक्शन आपको आती है, थर्ड क्लास में किया हुआ है आपने लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे. जैसे फर्स्टली है 3 सेंटीमीटर. हम कैसे ड्रॉ करते हैं कोई भी लाइन सेगमेंट को? फर्स्टली आप अपने स्केल को पुट कीजिए एक फिक्स जगह पे. आपका वन हैंड स्केल पर ही रहेगा. अब आपको पता है 3 सेंटीमीटर की बनानी है. लाइन सेगमेंट है मतलब हमारा एंड पॉइंट भी होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा फिक्स रहता है, हमारा जीरो है. कुछ के स्केल में जीरो लिखा हुआ होता है, कुछ में नहीं होता. तो जो सबसे पहले हमारी जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ द जीरो. क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा लग गया जीरो पे. उसके बाद कितने तक हमें लेनी है लाइन सेगमेंट? 3 सेंटीमीटर तक ना. तो आप ये स्केल को बिल्कुल स्टेबल रखोगे वन हैंड से. एक जगह आपका जीरो पे लग गया पॉइंट, एंड जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो हमारा कहाँ लगेगा? 3 पर. कहाँ लगेगा ये हमारा? 3 पर. ये हमारे 2 एंड पॉइंट हो गए, लग गया एक 0 पर और एक 3 पर. अब आप इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिला देंगे, इन दोनों को आप मीट कर देंगे. क्लियर है? इन दोनों को मिलाते ही हमारी एक लाइन सेगमेंट बन गई, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है. कहाँ से? 0 से स्टार्ट करके और 3 तक. नाम भी दे रखा था एक्स वाई, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. और यहाँ नीचे लिख देंगे दिस इज 3 सेंटीमीटर. सिमिलरली यू हैव टू डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस. सो दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू सम 1, 2, 3 इन योर बुक एंड 4 इन योर नोटबुक. थैंक यू.